हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम हो चुका है और अभी व्लॉग शुरू करते हैं। तो देखिए सामने कितना मोर है जो हर रोज़ सुबह सुबह आ जाता है, सुबह और शाम दोनों टाइम यहाँ पर खा दाना लेने के लिए। और चलिए अभी चलते हैं किचन में, तो चाय बनाते हैं और काम भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर किचन में आ चुकी हूँ, तो अभी चाय बना रही हूँ। चाय के साथ साथ मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख लिया है, तो चाय पियेंगे फिर टिफ़िन बनाऊँगी। खाने में आज क्या बनाऊँगी आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये दूध गर्म करने के लिए रख लिया है, और यहाँ पर ये लहसुन मैंने रात को ही फोल कर रख लिया था छिलकर, लेकिन अभी मैं बनाने वाली हूँ जो सब्ज़ी उसमें लहसुन नहीं पड़ेगा, तो बस ऐसे ही मैं यहाँ पर रख लूँगी। तो चलिए पहले तो मुझे चाय पीनी है, तो देखिए चाय होती है मेरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मेरी चाय बन चुकी है और यहाँ पर दूध भी गर्म होने के लिए आ चुका है। तो अभी मैं निकाल लेती हूँ चाय, और चाय पीने के बाद आपको फिर से मिलती हूँ। तो चाय के बाद मैं पहले मेरी चाय जब भी नहीं पीती हूँ तो सुबह मेरी नहीं होती है। कुछ भी काम करने से पहले सुबह सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। तो चलिए अभी मैं चाय पी लेती हूँ, बाद में बनाती हूँ खाना। तो खाने में आज मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी और भाखरी। तो सब्ज़ी में कौन सी सब्ज़ी है, तो देखिए यहाँ पर ये गोभी की सब्ज़ी है, बंद गोभी, और इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है इसके ऊपर। और यहाँ पर चली कढ़ाई रख ली है, उसमें थोड़ी सी मैंने राई डाल दी है। राई में अब इसमें मैं नहीं लहसुन नहीं डालूँगी, सिर्फ हरी मिर्च और राई। और ये देखिए मैंने हींग भी डाल दी है थोड़ी सी, तो इस पर अभी अच्छी तरह से ये पक जाएगी तब मैं उसमें डालूँगी गोभी। गोभी हाँ, तो चलिए अभी ये देखिए ये पत्ता गोभी है जो मैंने डाल दी, और इसमें हरी मिर्च डालते हैं तो बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगता है। मैं इसमें लाल मिर्च थोड़ी सी कम डालूँगी क्योंकि हरी मिर्च डाली है इसलिए। अभी इसी तरह से मैं ये इसे पकने दूँगी, थोड़ा सा पकने के बाद इसमें मैं मसाला करूँगी। तो देखिए देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ मेरी सब्ज़ी। We'll be right back.
देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्जी अभी हो चुकी है, मैंने ढककर रख लिया है उसे। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ, आटा भी मैंने गूंद लिया है। और देखिए अच्छे दस में मैंने टमाटर भी डाल दिया है, और क्योंकि टमाटर डालते बहुत अच्छा लगता है, आप भी कभी ट्राई करना, मैंने बनाया उसी तरह से। तो चलो आटा गूंद कर थोड़ी देर के लिए मैं रख लूँगी, और उसके बाद मैं भाखरी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ पर मैंने भाखरी बना ली। मुझे थोड़े से देर हो रही थी तो मैंने वो ये थोड़ा सा वीडियो नहीं बनाया है। तो यहाँ पर मेरी भाखरी बन चुकी है, खाना बन चुका है, और टिफ़िन मैंने बना कर, ये देखिए यहाँ पर ये कपड़े हैं, जो कल थोड़ी सी बारिश जैसा मौसम था तो कपड़े थोड़े से नहीं सूख पाए थे, तो मैंने अंदर ही रख लिए थे। तो ये शाम का वक्त है, तो देखिए यहाँ पर मैं अपनी ये कपड़े अभी तय करूँगी। और एक तरफ है जो सिद्धू सो रहा है, तो देखिए ये 6:45 बजे ये सो गया है अभी, और उठेगा 7:30 बजे तक उठ जाएगा, और फिर रात को ये सोएगा नहीं, रात को 12 या 12:30 बजाएगा। तो देखिए यहाँ पर सोनू है जो पानी की बॉटल्स भर रही है सारी, और यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा नाश्ता है जो ये मठिया, तो देखिए ये मठिया अभी क्या है कि दिवाली आने वाली है, दिवाली में यहाँ पर हमारे यहाँ मठिया चौरा फली ऐसे ये पैकेट बहुत अभी बिकने लगेंगे, क्योंकि घर पर कोई घर पर बनाता है, कोई बाहर से ऐसे ही लेकर आता है। मैं तो बाहर से लाती हूँ इस तरह से पैकेट, और घर पर इसे डीप फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये नाश्ता है जो मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा मठिया हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, चौरा फली और मठिया। चौरा फली थोड़ी हम लोग घर की कम खाते हैं, घर पर बनाते हैं, लेकिन ये मठिया तो मुझे सबको पसंद है, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। तो अभी मैं ये मठिये बना रही हूँ, फिर थोड़ी चाय बनाएंगे और फिर खाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कितने अच्छे बन चुके हैं, मैंने सारे मठिये यहाँ पर तल के रख लिया है, डीप फ्राई कर लिया है। और अभी दिवाली में तो सब जगह इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, छोटे मठिये, बड़े मठिये, फिर पतले, थोड़े से मोटे, मतलब पूरी जैसे मठिये, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मठिये मिलता है, और हम सबको बहुत पसंद है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हो चुका है मेरा तलने का काम हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा ये एक दो खाऊंगी, और चाय भी बनाएंगे हम, और हमें फिर जाना है कहीं बाहर, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग, आपको भी दिखाती हूँ। तो बने रहिए मेरी व्लॉग में। और देखिए ये मैं आपको कुर्ती दिखा रही हूँ यहाँ पर, तो ये कुर्ती सेट है पूरा, तो ये देखिए इस तरह से इसकी स्लीव में पूरा प्लेन है, सूट है ये, और स्लीव में यहाँ पर ये देखिए लेस पट्टी लगी हुई है, ये दुपट्टा भी इसके साथ ही आया है, और इसका सूट का कपड़ा बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो देखिए ये शाम का वक्त है, हम लोग अभी जा रहे हैं ये लिफ्ट में, तो ये हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो आज हमें मन था कि हम लोग कुछ साउथ इंडियन खाए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। ये वो मॉल है, ओसिया जो मॉल है ना, उसके बाजू में ही है ये, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है ओसिया मॉल, तो उसके बाजू में ही ये एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, जिसमें बहुत बहुत स्वादिष्ट डोसा और वो सब मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर साउथ इंडियन में डोसा ही खाने के लिए आए हैं, तो चलिए आपको भी साथ में ले चलती हूँ। तो देखिए
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे ये मेन्यू है, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डोसा थे, और ये है मैसूर डोसा, और ये है पाइनएप्पल शीरा, जो पाइनएप्पल वाला शीरा है। तो हमने पहले पेपर डोसा खाया, फिर सोनू ने चॉकलेट डोसा खाया, और मैंने इन्होंने मैसूर डोसा खाया। इस तरह से हमने खाना खा लिया, और ये देखिए उसके बाद हम बाहर निकले, तो मैंने ये थोड़ा सा ये व्यू ले लिया। तो यहाँ पर बहुत सारी रेस्टोरेंट है, यहाँ पर काठियावाड़ी रेस्टोरेंट है, फिर यहाँ पर पिज़्ज़ा हट है, और ये जो हम लोग गए थे वो साउथ इंडियन, सिर्फ साउथ इंडियन फूड ही वहाँ पर मिलता है। तो वैसी रेस्टोरेंट थी, बहुत अच्छा डोसा और वो शीरा था, हमें बहुत अच्छा लगा। तो बस देखिए, अब हम लोगों को खाना खाने के बाद अभी निकल रहे हैं घर की तरफ। तो अभी घर गए, निकल चुके थे, और ये देखिए रात के शायद 11:30 या 12 बजे थे, लेकिन अभी तक सिद्धू सोया नहीं था, तो इनको परेशान कर रहा था। तो बस अभी हम लोग चलिए, मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और ये देखिए कितनी मस्ती करता है ये, सोता ही नहीं है। चलिए बाय।